सर्वप्रथम महाकाली तथागत बुद्ध के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए भारतीय संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए आज जिनकी पुण्यतिथि ये तमाम दिनों जिन लोग यहाँ पर आए हुए उपासक उपासिकाएं आई हुई हैं, हम पूज्य गुरु जी के चरणों में भी पुष्प अर्पित करते हुए और आज यहाँ पर पूज्य भंते जी जिन्हें भारत की दुनिया के सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, भिक्षुगण के साथ यहाँ पर इस पुण्यतिथि में अपना सानिध्य और सामित्य आशीर्वाद स्नेह हमेशा इस परसापुर बिहार को मिलता रहा है, उनकी गरिमा में उपस्थिति है, तो हम सभी उपासक उपासिकाओं के तरफ से गुरु भंते जी गुरु जी और भिक्षुगण के चरणों में नमन करते हुए और आज ऐसे मौके पर हम सभी संतों गुरुओं के चरणों में जिन्होंने समय समय पर सामाजिक संघर्ष के लिए प्रयास किया, सामाजिक क्रांति महात्मा ज्योतिराव फूले आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज गुरु नारायण एवी रामा स्वामी नायकर पेरियर साथ ही साथ उन महान सतगुरुओं के चरणों में जिन्होंने समय समय पर सामाजिक संघर्ष के लिए प्रयास किया, चाहे महान संत गाड़ीगर जी हो, संत रविदास जी हो, कबीर साहब हो या और भी जितने महान गुरुओं ने सामाजिक संघर्ष के लिए प्रयास किया, हम उनके भी चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए साथ ही साथ वीर सपूतों के चरणों में जिन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ने का काम किया, जिनके बदौलत हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, हम उन सभी महान सपूतों के चरणों में पुष्प अर्पित कर चुके और आज इस सदी के महानायक करोड़ों बेजुबान लोगों के जुबान जिन्होंने राजनीति में तभी कुछ ने समाज को नई दिशा देने का काम किया, नया आयाम स्थापित किया, बाम से बीएस और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांसी राम साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए आज ऐसे मौके पर और भी जितने लोग देश के अंदर संघर्ष के लिए प्रयास किए हैं उनके भी चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए आज ऐसे मौके पर हमें तो इस पुण्यतिथि में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जानकारी है और लंबे अंतराल से ये धरती को नमन करना चाहता हूं जहां ऐसे महापुरुष पैदा हुए, क्योंकि दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ है उसको एक नियत दिन जाना होगा, फिर सुन लीजिए, दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ है या आने वाले दिनों में पैदा होगा उसको एक नई दिन जाना होगा, अपने जीवन काल में इंसान देश के लिए समाज के लिए जो कुछ कर जाता है वही यादगार बनकर के रह जाता है और आज हम सौभाग्यशाली हैं, हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि चलिए इस धरती से परसा पुर बिहार के परसा गांव से जो अपना रिश्ता है अछूत अभी हम जिंदा है और पूजने गुरु जी दुनिया में नहीं है, लेकिन हमें जो ऊर्जा मिली स्वाभाविक है कि मैं वो दिन और तारीख तो मुझे याद नहीं है कि जिस समय मैं यहाँ परसा आया हुआ था उस समय मानवर आर्मी कृष्ण जी जो दुनिया में नहीं है उनका भी आगमन था, गुरु जी थे और मुझे उस समय आने के बाद मुझे याद नहीं है कि यहाँ कोई कार्यक्रम था क्या था, मुझे भी थोड़ा बहुत
बोलने का मौका मिला था। और उसी समय जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज सुधार समिति हरैया, उसमें मुझे कुछ सहयोग करना था, किया गया। आजीवन सदस्य मुझे उस हरैया समिति का सदस्य बनाया गया था। तो आज ऊर्जा मिली जब यहां आने के बाद, धीरे धीरे संपर्क हुआ, तो मैं उस क्षण को याद करता हूं कि जहां संबंध था और यहां से तथागत बुद्ध के आइडियोलॉजी के विचारधारा के अनुरूप जो हुई शादी विवाह संस्कार हुआ, तो उससे प्रेरणा मिली। इसलिए मैं इस धरती को नमन करना चाहता हूं। और आज गुरु जी का स्नेह आशीर्वाद, जब भी कोई कार्यक्रम होता है मुझे वकील साहब से लेकर के याद करते हैं गुरु जी, तो मैं उसी नगर के कार्यक्रम को मैं छोड़ नहीं पाता हूं। रहता हूं, बाहर रहूंगा तभी, नहीं तो प्रयास करता हूं। हम भी हमारे रामजोहन बौद्ध जी भी हैं, वो बताते रहते हैं। हमारे जो कुछ बिहार के यहाँ के सभी लोग हैं, और आज भी जो गुरु जी ने जो अपने अभिवादन में एक अपनी पीड़ा को व्यक्त किया, तो स्वाभाविक है कि जो बात गुरु जी को नहीं कहना चाहिए आशीर्वाद केवल, आज ऐसे मौके पर गुरु जी ने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया, तो स्वाभाविक है कि हमारी आपकी जिम्मेदारी जो बैठी हुई है माता जी, ये विषय माता जी का, ये विषय दरोगा जी का, ये विषय भाई का, वो विषय दोनों बहनों का, एक पारिवारिक संस्था और हम लोग जो भी यहाँ पर हैं, ये विषय हम लोगों का था कि हम लोग उस विषय पर चर्चा करते। लेकिन गुरु जी को कितनी पीड़ा पहुंच रही है इस छोटी सी बात को लेकर के, यहाँ दुनिया में कोई आदमी अमर होके नहीं आया। जाना है, एक धरोहर एक पूंजी तैयार की गई खड़ी है, जिसमें इतनी बड़ी तादाद में पूरे प्रदेश के लोग आए हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि इनका स्नेह न होता तो कहे की बात। ये हमारे भिक्षुगण यहाँ पर आए हुए हैं, स्वाभाविक है धरती से लगाव है, इसलिए इनकी गरिमा में उपस्थिति है। तो हम आज विश्वास दिलाना चाहेंगे गुरु जी को कि आज तो कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, फिर बीच में जब जाएंगे अलग से हम लोग फिर बैठ करके क्या वास्तव में इस समस्या का निदान हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, यदि होगा तो किस तरह से होगा, मन साफ करके बात होनी चाहिए। और हमने तो कहा था उस समय गुरु जी, जब आपने कुशीनगर में कहा कि मोदी साहब आप इस मामले को हल कराइए, तो हमने कहा कि हम तो तैयार बैठे हैं। गुरु जी ने यहाँ तक कहा कि आप पैसा लेकर के जमीन दे दीजिए। हमने कहा मैं कोई अमर होकर थोड़ा आया हूँ, हमें पैसा नहीं लेना है, यदि जमीन के पते जमीन की भी बात आएगी तो भी दिया जा सकता है। हम तो उस समय भी कहे थे चाहे हम अपना झेल लेंगे अपना समय लेंगे, क्योंकि हमें भी जाना है दुनिया, अभी हमें बहुत काम करना है, पता नहीं कब तक ये आप जाना रहेगा, इसलिए हम भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा बुनियादी काम कर जाएं, हमें भी अपने गांव के तरफ गांव पर भी हमें बड़ा काम करना है, लेकिन अभी मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैं लोगों से प्रेरणा लेकर के इतनी बड़ी तादाद, इतने बड़े विद्वान, मैं दायरे साथ कर रहा पूर्वांचल में परसों बुद्ध विहार जैसे हमारे उपासक मैंने कभी मेरे नजर में नहीं आए, इतने प्रकांड विद्वान है। इसलिए मैं सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ। आप लोग जो प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं इस प्रसाद बुद्ध विहार के लिए, आपको हताश निराश नहीं होना चाहिए, सत्य की विजय होती है, अंत हमें कामयाबी मिलेगी। मैंने उसी समय मैंने वकील साहब से भी कहा था कि तमाम लोग देश की आजादी के लिए हंसते से फांसी के फंदे पर चढ़ गए, लेकिन मिला नहीं, नाम दिया जाता है। हम आप
हम तो बहुत कुछ का, हमें तो बहुत कुछ मिल रहा था इसी समाज के नाते। लाल मणि प्रसाद को तो 100-100 करोड़ रुपया मिल रहा था भाई, बोलिए 2008 में डील वाले प्रकरण पर। लेकिन मुझे याद था कि जब गंगा चौराहे पर मंत्री बनने के बाद मुझे 1-1 रुपए के सिक्के से हमारे समाज के लोगों ने मेरे वजन के बराबर तोला था, मुझे भूला नहीं। एक तरफ 100 करोड़, एक तरफ समाज का स्नेह। मैंने कहा कैसे मैं नजर मिलाऊंगा लोगों से कि लाल मणि प्रसाद इतना अम्बेडकर वादी, इतना मिशनरी, उन्होंने भी किया। मैंने लात मारा इसके लिए इस समाज, क्योंकि मैं अमर होके नहीं आया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों को भी अपने जीवन में लक्ष्य बनाना चाहिए, कोई कोई काम करना चाहिए। हर व्यक्ति को लक्ष्य बनाना चाहिए, छोटा हो बड़ा हो, प्रयास करिए कि आप जो है बढ़िया काम करें। और इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हमें समस्याओं का निदान मिलकर करके, अनिल बाबू भी हैं हमारे पुराने साथी वहां पर बैठे हुए हैं।